हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं रुद्रपुर से होकर गुजरने वाली कल्याणी नदी के बारे में। कल्याणी नदी रुद्रपुर से होकर गुजरती है तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इसकी सुरक्षा करें। कल्याणी नदी टांडा पंतनगर सिटकुल क्षेत्र से होकर जगतपुरा ट्रांजिट कैंप रंगपुरा रामपुर रोड से होते हुए आगे को निकलती है। यह नदी रुद्रपुर से होकर निकलती है तो यह हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इसकी सुरक्षा पर ध्यान दें। हम इस नदी पर ध्यान नहीं देते, इस वजह से यह नदी दूषित हो रही है, लेकिन समाज को इसकी ओर अग्रसर होना चाहिए और इसे साफ स्वच्छ रखने में सहयोग करना चाहिए। तो आइए हम सब मिलकर प्रयास करते हैं यह नदी इतनी निर्मल और निश्चल हो जाए कि इसमें रुद्रपुर का हम प्रतिबिंब देख सकें, और अगर हम महसूस करें तो पानी की एक एक बूंद हमारे जीवन में बहुत महत्व रखती है और हमारे दैनिक जीवन में इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। रोटरी क्लब ने बहुत अच्छे अच्छे कॉम्पिटिशन इसके रिगार्डिंग रखे हुए हैं। इसमें क्लास 3rd टू क्लास 5th पेंटिंग कॉम्पिटिशन है, क्लास 6th टू क्लास 8th पोस्टर मेकिंग कॉम्पिटिशन है। और जहाँ कॉम्पिटिशन की बात है तो कॉम्पिटिशन में हमारे विद्यालय के स्टूडेंट्स बहुत अच्छा और क्रिएटिव वर्क करते हैं जो सबको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो हमें आशा है कि इस बार भी हर बार की भांति ही आप लोग अपना जो है वर्क डिलीवर करेंगे और समाज को नदी को साफ रखने के लिए प्रेरित करेंगे। तो आइए हम कुछ रेफरेंस देखते हैं, एग्जांपल्स देखते हैं कि अपनी ड्राइंग को हमें कैसे इम्प्रूव करना है, हमें अपनी जो बात है जो हमारी क्रिएटिविटी है हम अपने ड्राइंग के माध्यम से कैसे हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो इसके बहुत इजी एग्जांपल्स हैं, आप देखते ही समझ जाएंगे कि हमें अपने मैसेज में क्या देना है, क्या डिलीवर करना है, कैसे हमें ड्राइंग को बनाना है, कैसे उसमें कलर कॉम्बिनेशन है। तो आइए हम सब मिलकर देखते हैं कि इन ड्राइंग्स को हम कैसे बना सकते हैं। ये सभी ड्राइंग्स इंटरनेट से ली गई हैं तो कोई भी स्टूडेंट इनमें से कोई भी पर्टिकुलर ड्राइंग को कॉपी नहीं करेगा, ये जस्ट रेफरेंस के लिए है। और आप इन सब को असेंबल करके अपने थीम पे आप ऐड कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा मैटर आप हर ड्राइंग से ले सकते हैं और जो भी आपको क्रिएटिव लगती है या आपकी जो अपनी सेल्फ क्रिएटिविटी है तो आप उसको उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। और जो भी इसमें टैगलाइन है या हेडलाइन है तो वो आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप खुद क्रिएट करेंगे टैगलाइन या हेडलाइन पोस्टर के लिए तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, तो आपकी क्रिएटिविटी उसमें शो होती है कि आप उस नदी के लिए क्या सोच रहे हैं। आप अपने अकॉर्डिंग इसमें कोई भी कलर मीडियम रख सकते हैं, आप कैसे भी कलर्स इसमें यूज़ कर सकते हैं। और आप देखेंगे सारी ड्राइंग्स में जो है आउटलाइनिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। जब आपकी ड्राइंग कंप्लीट हो जाती है तो आप ब्लैक बोल्ड मार्कर से या परमानेंट मार्कर से आप अपनी ड्राइंग को आउटलाइन करिए और आपकी जो ड्राइंग है वो निखर के आती है इससे, तो इस तरह से जो है वो अच्छी और सुंदर दिखती है। आप कोशिश करें कि आपकी अपनी ड्राइंग में आपकी क्रिएटिविटी होनी चाहिए, आपकी उसमें सोच दिखनी चाहिए कि आपको उसको सेव करने के लिए क्या आप इसके लिए क्या फॉर्मूला एक्सेप्ट करते हैं, क्या उसमें अप्लाई करते हैं। तो ये सब चीज़ें आपकी ड्राइंग में दिखनी चाहिए। तो ये आपकी सेल्फ क्रिएशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि आप कहीं पर भी कॉम्पिटिशन में जाते हैं तो वो आपकी सेल्फ क्रिएटिविटी होनी चाहिए वहाँ पर। और मैंने जैसा कि बताया कि टैगलाइंस भी आपकी होनी चाहिए, कलर कॉम्बिनेशन आप सबको एक दूसरे के अपोजिट रखेंगे कि जहाँ पर बैकग्राउंड है वहाँ पर लाइट जो आपको ऑब्जेक्ट दिखाना है वो हाईलाइट होनी चाहिए। तो इस फॉर्म में ये है, आप इन पोस्टर्स को अच्छे से ऑब्जर्व करिए और अपनी सेल्फ क्रिएशन इसमें इंक्लूड करिए। एंड ऑल द बेस्ट फॉर दैट कॉम्पिटिशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।